हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो Y28 5G फ़ोन है, तो वीवो Y28 5G फ़ोन की अलार्म सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में अलार्म्स को बंद कर सकते हैं और कैसे अलार्म को ऑफ़ कर सकते हैं वीवो Y28 5G फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जैसे अगर आपके फ़ोन में अलार्म सेट है तो उसको आप कैसे बंद कर सकते हैं, फिर अलार्म को ऑफ़ कर पाएंगे वीवो फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप अलार्म को सेट कैसे कर सकते हैं और अलार्म कैसे लगा सकते हैं फ़ोन में, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले तो बैक कर लेना। बैक करते ही आपके पास में ऑप्शन आता है सबसे पहले क्लॉक सेटिंग, तो क्लॉक सेटिंग्स पे जाते हैं। तो अलार्म को आप बंद करना चाहते हैं, ऑफ़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कोई भी अलार्म आपके फ़ोन में सेट है तो आपके फ़ोन में ये अलार्म सेट है, जैसे 8:30 AM का, यानी सुबह का अलार्म है, तो इसको आप ऑफ़ कर देंगे तो अलार्म आपके फ़ोन में ऑफ हो जाएगा टाइमिंग के हिसाब से। या फिर 9 PM का, 9 AM का भी अलार्म ऑफ़ कर सकते हैं, फिर 7 PM भी कर सकते हैं, इससे जो आपके फ़ोन के अलार्म है ऑफ़ हो जाएंगे, जिसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी अलार्म को आप बंद कर सकते हैं। और यहाँ से भी देख सकते हैं कि सेटिंग्स पे, अलार्म सेटिंग्स पे जा सकते हैं, जहाँ से डिफरेंट टाइप डेट एंड टाइम के हिसाब से भी यहाँ से अलार्म सेटिंग्स का यूज़ कर पाएंगे और सेट कर सकते हैं। और अलार्म सेट करना चाहें तो टाइम के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं अलार्म को यहाँ से, और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से टाइम के हिसाब से सेट कर दे तो अलार्म सेट हो जाएगा, और ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं, और ऑन करना चाहें तो इस तरीके से ऑन करके इसका यूज़ भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से अलार्म को ऑफ़ कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।